रूल है। मैं शुरू से कह रहा हूं, हिंदू धर्म को डैमेज करने की साजिश चल रही है, योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और इसके जिम्मेदार हिंदुओं तुम खुद हो। तुम राधे मां को तो मान लोगे, आशा राम बापू को मान लोगे, राम रहीम को मान लोगे, लेकिन मंदिर जाने में शर्म आती। कुछ हिंदुओं को मैं ऐसा जानता हूं जिनके पास पैसा है वो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, उनको कहते हैं कि मैं अब मंदिर अंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिल गया। हिंदुओं का प्रॉब्लम ये है, हिंदू तुम लोगों की समस्या ये है कि तुम हमेशा सहिष्णु रखते हो, सब कुछ चलता है, सबको क्षमा कर दो। दरगाह में चले जाएंगे, हाजी अली की दरगाह चले जाएंगे, वहां चादर चढ़ा देंगे, अजमेर की दरगाह चले जाएंगे, वहां भी चादर चढ़ा देंगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान राम सीता कृष्ण भगवान मैया मां लक्ष्मी मैया बद्रीनाथ ये सब जगह जाने में उनको शर्म आती। वो सोचते हैं तो गरीब लोग जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे हिंदू बिल्कुल एकता नहीं है, आपस में उन्होंने तोड़फोड़ कर रखी है, इसलिए एकजुट नहीं हो पा रहे, इसका फायदा दूसरे धर्म के लोग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो शिरडी चले जाते हैं, साईं बाबा को मानते हैं, वो वैष्णो देवी नहीं जानते, वैष्णो देवी जाने वाले लोग तिरुपति नहीं जाते, जो तिरुपति को मानते हैं वो राम मंदिर में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से आपस में ही फूट पड़ी हुई है, हमें एकता नहीं है। आप खुद ही आकलन करें, खुद ही सोचें। दीपावली धीरे धीरे समाप्त हो रही है, दीपावली को बंद कराया जा रहा है, प्रदूषण होता है, वायु दूषित होती है, पटाखों का शोर होता है, दीपावली ना मनाएं, होली ना मनाएं, पानी की बर्बादी होती है, होली ना मनाएं, रामलीला बंद हो ही गई है, ज्यादातर जगह रामलीला बंद हो गई, वो तो योगी जी ने अभी अयोध्या में आरंभ करवाई। और एक खास तौर से कुछ पर्टिकुलर एक धर्म के लोग हैं, फिल्म के डायरेक्टर, वेब सीरीज के डायरेक्टर, जो इस तरह की नापाक हरकत करते हैं। वो चाहे पीके फिल्म में आमिर खान हो, चाहे सैफ अली खान हो, और चाहे तांडो का डायरेक्टर हो, ये सब योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके कर रहे हैं। तुम लोग कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है, इतना सूक्ष्म नहीं है कि तुम इसको डैमेज कर पाओगे। लेकिन हिंदुओं, तुम इनको करने क्यों दे रहे हो? एक साथ खड़े हो, आगे हो। माना कि बहुत सारे हिंदू हैं, उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ा पैसा कमा लिया, विदेश आते जाते हैं, वो इन छोटी बातों में नहीं पड़ते। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, बड़ा हृदय रखो, हृदय बड़ा रखो। बड़ा हृदय रखने की सिर्फ हम लोगों ने ठेका लिया है, हिंदुओं ने ठेका लिया है। हिंदू भाइयों बहनों, आप दूसरे धर्म का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन अपने धर्म को तो मत भूलो। अपने धर्म को क्यों छोटा कर रहे हो? अपने धर्म को इग्नोर कर रहे हो? दुख होता है यार।